अरे बस भाई, इन्होंने लिखा है कि एक शख्स नमाज़ पढ़ के आया, तो इसमें दूसरे ने कहा कि इतनी जल्दी नमाज़ पढ़ के आ गए, नमाज़ पढ़ के आए हो या गुलाठी मार के आए हो, ऐसा कहना कैसा। तो गुलाठी मार के आना, ये उस पर तंज है कि उस बंदे ने जितनी जल्दी नमाज़ पढ़ी है, तो ये कुफ्र तो नहीं है, यानी ये नमाज़ की कोई तौहीन नहीं है, बल्कि ये उस पर इल्ज़ामी जवाब है कि आप उसको नमाज़ पढ़ के नहीं आए, बल्कि गुलाठी मार के आए हो कि इतनी जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ के आए हो। जैसा कि हदीस पाक के अंदर भी जल्दी जल्दी रुको सजदे करने से मना किया गया है, और उसकी मिसाल दी गई है जैसा मुर्गा दाने चुगता है ना ज़मीन से जल्दी जल्दी, तो उस तरीके से बंदा सजदा ना करे कि सजदे में गया उठ गया, गया उठ गया, तो वही बात है कि जैसे गुलाटी मारना, जल्दी जल्दी फॉर्मेलिटी करना, फटाफट नमाज़ पढ़ के आना, तो ये कुफ्र नहीं है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए कि नमाज को इतनी जल्दी पढ़ना कि सामने वाले को ये लगे कि अभी इसने नियत बांध दी और उसकी 4 रकात हो गई। बहुत समय ऐसी आदत होती है कि वो नियत बांधती 2 रकात ख़त्म कर दे।